Goal Seek is one of the most important and widely used features of Excel. So basically what happens कि हमारे पास गिवन इनपुट्स है एंड एक पर्टिकुलर आउटपुट है. अगर हमें आउटपुट को मेरा आउटपुट एक पर्टिकुलर नंबर चाहिए या फिर एक टारगेट चाहिए उसको अचीव करना है बाय चेंजिंग सर्टेन इनपुट्स. सो फॉर दैट वी यूज़ गोल सीक. यहाँ पे आई हैव इनकम, मंथली इनकम इज़ देयर, वेरियस एक्सपेंसेस हैं हमारे पास एंड एंड में कितना सेविंग्स हो रहा है वो हमें दिया हुआ है. सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स गोल सीक में, दीज आर माई, वी हैव टू रिकग्नाइज द इनपुट एंड द आउटपुट सेल्स. दीज आर द इनपुट सेल्स एंड दिस इज़ द आउटपुट सेल. सो बेसिकली मेरे को ये आउटपुट जो है मेरा सेविंग्स, जो मेरे को इनकम लेस एक्सपेंसेस करके मिल रहा है 52,700, ये मेरे को चेंज करके 55,000 करना है. 55,000 इज़ द टारगेट सेविंग्स जो मेरे को अचीव करना है बाई चेंजिंग अदर एक्सपेंसेस. बाई चेंजिंग अदर एक्सपेंसेस मुझे सेविंग्स चाहिए 55,000. सो वॉट आई विल डू, सबसे फर्स्ट थिंग कि हम सेविंग्स का इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इनकम माइनस ऑल द एक्सपेंसेस. सो इनकम माइनस ऑल द एक्सपेंसेस, इसका हम सम ले लेंगे, माइनस ऑल द एक्सपेंसेस. तो मेरा पर्टिकुलर सेविंग्स अमाउंट 52,700 आ गया. आई हैव टू चेंज दिस एंड मेक दिस टू 55,000 बाय चेंजिंग अदर एक्सपेंसेस. सो जनरली पीपल गेट कन्फ्यूज. गोल सीक में दीज आर द इनपुट वैल्यूज एंड दिस इज द आउटपुट वैल्यू जो आ रहा है ये सारे वैल्यूज को यूज करके. अगर हमारे आउटपुट फंक्शन में, आउटपुट वाले सेल में, इस फंक्शन में इफ़ आई हैवन्ट यूज्ड दीज सेल्स जो मुझे चेंज करना है, ये मुझे ये अदर एक्सपेंसेस वाला सेल चेंज करना है, सो इफ आई हैवन्ट यूज दिस सेल इन माई फंक्शन तब मेरा गोल सीक का आउटपुट आ ही नहीं सकता. सो दिस इज़ माई आउटपुट सेल, दीज आर माई इनपुट सेल्स. मुझे क्या करना है, आई हैव टू चेंज दिस, आई हैव टू मेक दिस टू 55,000 बाई चेंजिंग अदर एक्सपेंसेस. सो वील गो टू डेटा टैब, वॉट इफ एनालिसिस, गोल सीक, सेट सेल. सेट सेल में हम आउटपुट सेल डालते हैं, दिस इज माई आउटपुट सेल, टू वैल्यू. ये जो है दिस इज़ द वैल्यू, दिस इज़ द टारगेट वैल्यू. बेसिकली मेरा टारगेट इज 55,000. सो आई विल टाइप 55,000 बाई चेंजिंग, आई वॉन्ट टू चेंज अदर एक्सपेंसेस. तो बाई चेंजिंग में मुझे इनपुट सेल डालना है, बाई चेंजिंग सेल में यहाँ पे इनपुट सेल आएगा एंड आई विल प्रेस ओके. सो एक्सेल हैज़ कैलकुलेटेड द टारगेट वैल्यू वॉज 55,000 एंड आई हैव गॉट 55,000 बाई चेंजिंग अदर एक्सपेंसेस. अर्लियर विच वॉज 5,900, नाउ इट इज 3,600. सो बेसिक गोल सीक, डेटा टैब, वॉट इफ एनालिसिस, गोल सीक जो हमारा फीचर है, सेट सेल में हम डालेंगे आउटपुट सेल जो मेरे को टारगेट, जो मेरा टारगेट सेल है जिसे मुझे चेंज करना है, टू वैल्यू में हम डालेंगे टारगेट वैल्यू, द टारगेट आउटपुट वैल्यू विच आई वॉन्ट एंड बाई चेंजिंग इसमें हम डालेंगे इनपुट सेल जो हमें चेंज करना है ताकि मेरा आउटपुट चेंज हो. सो इफ़ आई हैवन्ट हैव यूज्ड एनी फंक्शन ओवर हियर एंड स्ट्रेट अवे कैलकुलेट करके दिस माइनस दिस कर देते तब गोल सीक का कोई रिजल्ट नहीं मिलता. अनलेस इन माई आउटपुट सेल आई हैव यूज अ फंक्शन विच इन्वॉल्व्स दीज इनपुट सेल्स, विच इन्वॉल्व्स दिस पर्टिकुलर इनपुट सेल विच आई हैव टू चेंज, तब तक मेरा आंसर नहीं मैच होगा, नहीं चेंज होगा. सो गोल सीक इज यूज वेन वी वॉन्ट अ पर्टिकुलर आउटपुट बाई चेंजिंग अ पर्टिकुलर इनपुट, देन वी यूज दिस फीचर एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फीचर विच इज यूज वेरी वेरी वाइडली इन इन ऑल द फील्ड्स. अगर हमें कोई पर्टिकुलर आउटपुट चाहिए, सपोज अ पर्टिकुलर प्रीमियम, बाय चेंजिंग इंटरेस्ट रेट्स तो एंड बेसिक अदर इनपुट्स, देन वी यूज दिस फीचर. थैंक यू.